हे वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन, जिससे आप 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में बाय कर पाएंगे। वैसे तो 20 से 25,000 के बीच में सैमसंग के बहुत ही कम अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो हमने आपके लिए केवल टॉप 3 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन को रखा है, जिससे आप 20 से 25,000 के आसपास बाय कर पाएंगे। हम इन तीनों स्मार्टफोन के डिटेल स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं विद प्रोज एंड कॉन्स। और जैसा कि आप जानते ही हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ईयर का सबसे बड़ा सेल शुरू हो गया है, सो इन तीनों स्मार्टफोन पर काफी अच्छे बैंक ऑफर और डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको सैमसंग की तरफ से एक बेस्ट फोन चाहिए, वो भी 20 से 25,000 के बीच में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जैसा कि ये तीनों स्मार्टफोन सेम ही ब्रांड का होगा, तो हमने इन तीनों ही स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करने वाले हैं लास्ट के नंबर से, नंबर 3 से। तो नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, फिलहाल ये फोन आपको 20,000 के नीचे मिल जाएगा, और इस प्राइस के हिसाब से सैमसंग की तरफ से काफी अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। वैसे तो ये फोन 26,000 के आसपास आता है, बट फिलहाल ये फोन आपको 20,000 के नीचे ही मिल जाएगा। सो क्या कुछ फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, चलिए डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। वैसे ये फोन काफी पतला है, सिर्फ 7.4 mm की थिकनेस है, और वेट भी कम है, सिर्फ 176 ग्राम वेट है। तो ओवरऑल ये फोन काफी स्लिम और लाइट वेट है, बाकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। खैर, इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। इस फोन में आपको मिलता है सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जो कि डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ आता है, और स्पीकर की क्वालिटी अच्छा है। वैसे सैमसंग को ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था। वैसे इस फोन में आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि काफी फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन One UI 4.0। इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है, और 4 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। बाकी सॉफ्टवेयर वाइज काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि One UI बहुत ही ज्यादा स्मूथ और फंक्शनल है। वैसे सैमसंग की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिल जाता है इस फोन के अंदर, जैसे कि सैमसंग पे दिया गया है सिक्योर फोल्डर भी अवेलेबल है, वॉइस फोकस का फीचर भी मिल जाता है, नॉक सिक्योरिटी मिल जाएगी, और सैमसंग का फोन है तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। अब जानते हैं इस फोन के कुछ मेन फीचर्स। तो बैटरी के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, और नॉर्मल यूजर्स में 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा इस फोन से आपको। वैसे दोस्तों ध्यान रहे, इस फोन में आपको अडैप्टर नहीं मिलता है। अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें, जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से, सो दोस्तों ये फोन 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस लेवल है, HDR 10 सर्टिफाइड है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, और डिस्प्ले के ऊपर COG 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सो ओवरऑल डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट और क्रिस्प है, मल्टीमीडिया के लिए काफी अच्छा रहेगा ये फोन। इसके साथ ही अगर हम कैमरा के बारे में बात करें, तो ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 MP का है, जो कि सैमसंग का ही HM6 सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। बाकी 2 और कैमरे मिल जाते हैं 22 MP के, जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। वैसे रियर कैमरे से आप 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 1080p में 60 FPS तक। फ्रंट में 32 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि सोनी IMX616 वाला सेंसर है, और फ्रंट कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 1080p में भी 30 FPS तक। ओवरऑल इस फोन का जो प्राइमरी कैमरा है 108 MP वाला, काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है डेलाइट में। नाइट कैमरा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है, बाकी अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है, और 2 मेगापिक्सल वाले का क्या ही कहे। फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस भी अच्छा है, वैसे अभी भी कैमरे के अंदर थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 900 वाला 5G चिपसेट, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है। 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 4,50,000 के आसपास अंतत स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X वाला रैम है, वर्चुअली 6 GB तक रैम बढ़ा पाएंगे, एंड ऑल्सो ये फोन वीपर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, बट रियल लाइफ में ये फोन हीट होता है जब आप हैवी यूज करोगे तो। और वैसे भी सैमसंग के जितने फोन है गेमिंग के लिए नहीं बने होते हैं, वैसे डे टू डे यूजर्स में किसी भी तरह का लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। ड्यूल 4G वोल्टेज का सपोर्ट मिल जाता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है। ये फोन ड्यूल बैंड वाईफाई के साथ आता है, वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है, एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट मिलता है, और हाँ NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में काफी अच्छा रहेगा ये फोन।
फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो फिलहाल आपको 6128 के लिए 22,000 रुपए देने होंगे और 8128 के लिए 24,000 रुपए है। और अगर आपके पास SBI बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो 2,000 रुपए तक और डिस्काउंट मिल जाएगा, इफेक्टिवली 20,000 के नीचे मिल जाएगा 20 वेरिएंट वाला। खैर ये रहे इस फोन के डिटेल प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक सैमसंग की तरफ से मिड रेंज में मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है। खैर इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। अभी हमने सैमसंग गैलेक्सी M53 5G के बारे में बात किया है जो कि इसी फोन का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन रियलिटी में कोई ज्यादा अपग्रेड नहीं किया गया है। कैमरा परफॉर्मेंस गैलेक्सी M52 5G का ज्यादा बेटर है M53 5G से, और इस फोन में आपको चार्जर भी मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। और इतना ही नहीं, इस फोन में स्नैपड्रैगन 778 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एक स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। सो स्टिल गैलेक्सी M52 5G बहुत ही अच्छा डील है अभी भी 20 से 22,000 के आसपास। सो चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। और गाइज ये फोन काफी स्लिम है, जबकि इस फोन में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। ओनली 7.4 mm की थिकनेस दी गई है जो कि काफी कमाल की बात हो जाती है। एंड सरप्राइजिंगली ये फोन काफी लाइट वेट भी है, ओनली 173 ग्राम वेट है, तो वेट भी बहुत कम है। तो ये फोन बहुत ही ज्यादा पतला और हल्का है, बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, मतलब 2 5G सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। इस फोन में आपको मिलता है सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जो कि डॉल्बी एटम साउंड के साथ आता है, और स्पीकर काफी लाउड और क्लियर है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था। इस फोन में भी आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। वैसे ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन One UI 3.1, लेकिन इस फोन के लिए एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ गया है, तो जैसे इस फोन को आप परचेज करोगे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा, और 2 से 3 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है इस फोन के अंदर भी आपको। इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 25 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, बट बॉक्स में आपको सिर्फ 15 वॉट का ही चार्जर मिलेगा। बाकी बैटरी का फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से भी आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले आपको बहुत ही सॉलिड मिलता है। इस फोन में लगा हुआ है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है, अप टू 800 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है। ऑल्सो HDR10 सर्टिफाइड है। बाकी डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो डिस्प्ले से आपको किसी भी तरह का इशू नहीं होगा क्योंकि सैमसंग का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होता है, आप जानते ही हैं। चलिए कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, तो कैमरा भी आपको बहुत ही कमाल का मिलता है इस फोन में। ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 MP का है जो कि सैमसंग का ही GW3 सेंसर है। सेकंड कैमरा 12 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 5 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60 FPS तक। वहीं फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है, और फ्रंट कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कैमरे को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है सैमसंग ने, स्पेशली डायनेमिक रेंज बहुत ही कमाल का आता है। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फोन स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट के साथ आता है जो कि अगेन एक अच्छा चिपसेट है, 6 nm पर बना हुआ है। 5 लाख के आसपास अंतत स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.1 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है, वर्चुअली 8 GB तक रैम बढ़ा पाएंगे, मतलब इस फोन में आपको अप टू 16 GB तक रैम मिल जाएगा। इस फोन में भी आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको ज्यादा इशू नहीं होगी, डे टू डे यूजेस में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अप टू 60 FPS तक गेम प्ले मिल जाएगा इस फोन से भी आपको। वैसे गेमिंग के अंदर थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप मिलते हैं क्योंकि सैमसंग ने गेमिंग के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा है इस चिपसेट को। इस फोन में आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है जिससे ये एक ट्रू 5G फोन है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, नॉक सिक्योरिटी मिल जाएगी, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला, और सैमसंग की तरफ से और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो 6128 के लिए फिलहाल आपको 25,000 रुपीज देने होंगे और 8128 के लिए 27,000 रुपीज। बट इस फोन को अभी मत परचेज करना, जब भी ये फोन आपको 20,000 के आसपास मिलता है उस टाइम इस फोन को आप परचेज कर लेना। वैसे फ्लिपकार्ट पर अभी एक दो दिन पहले ही 20 से 22,000 के आसपास मिल रहा था। ये रहे दोस्तों इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। ये एक सैमसंग की तरफ से फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है जो कि फिलहाल आपको 25,000 के आसपास मिल जाएगा। जी हाँ, इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। वैसे तो ये फोन 35 से 40 हजार के आसपास आता है, बट फिलहाल ये फोन आपको 27 हजार के आसपास मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है ये, बहुत सारे फ्लेक्सी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का जो बैक पैनल है प्लास्टिक से बना हुआ है, हालांकि जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम का है। 8.4 mm के थिकनेस है एंड 190 ग्राम वेट है, तो थिकनेस और वेट ठीक ठाक है। IP68 की रेटिंग दी गई है जिससे ये एक कंप्लीट वाटरप्रूफ फोन बन जाता है। इसके साथ ही अगर हम कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। 3.5 mm का जैक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। एंड्रॉइड 11 पर रन करता है ये फोन बेस्ड ऑन One UI 3.1, लेकिन जैसे इस फोन को आप परचेज करोगे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा और इस फोन में आपको सैमसंग के जितने भी फ्लेक्सी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर मिल जाएंगे। बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 4500 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 25W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 15W का ही मिलेगा। बैटरी बैकअप से ज्यादा इशू नहीं मिलेगी, लेकिन चार्जिंग स्पीड काफी कम है, लेकिन कैमरा आपको टॉप क्लास के मिल जाएगी इस फोन में। तो रियर साइड में 3 कैमरे दिए गए हैं जिसमें से प्राइमरी सेंसर 12 MP का है जो कि OIS के साथ आता है। सेकंड कैमरा 8 MP का है जो कि टेलीफोटो लेंस है और ये भी OIS के साथ आता है। 3x ऑप्टिकल जूम को भी सपोर्ट करता है और थर्ड कैमरा अगेन 12 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। रियर कैमरे से 4K में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से भी 4K में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल की मिलने वाली है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है, अप टू 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। ऑल्सो HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है एंड डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाएगा, सैमसंग का डिस्प्ले है, हालांकि बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। इससे बेटर डिस्प्ले आपको Xiaomi 11T Pro 5G में मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 865 का 5G चिपसेट और ये थोड़ा सा पुराना चिपसेट है। इस चिपसेट को आप डायमेंसिटी 1200 इतना मान सकते हो। 7 nm पर बना हुआ है, मतलब पावर एफिशिएंट ये चिपसेट भी है। 650,000 के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि ठीक ठाक स्कोर है। LPDDR5 वाला रैम है एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। तो परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं लेकिन इंटेंस गेमिंग नहीं कर सकते, हार्डकोर गेमिंग। और सैमसंग के फोन ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होते हैं। इस फोन में आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है जिससे ये एक ट्रू 5G फोन है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, नॉक सिक्योरिटी मिल जाएगी, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। लास्टली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 8128 के लिए 30,000 rupees देने होंगे फिलहाल आपको, जिस पर 3,000 rupees का फ्लैट डिस्काउंट अवेलेबल है अगर आपके पास SBI बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है। तो इफेक्टिवली 27,000 के आसपास मिल जाएगा ये फोन आपको। तो अगर आपका बजट 25 से 27,000 के आसपास है और आपको सैमसंग ही एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो, फुल्ली वाटरप्रूफ हो, परफॉर्मेंस से ज्यादा इशू ना हो, तो डेफिनेटली इस फोन को आप बाय कर सकते हैं। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स आप पढ़ सकते हैं।